हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्लास हमने पहुंचा दिए थे, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करा दी थी और फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो महा क्लास भी हो चुके हैं और काफी सारी चीजें हम करा चुके हैं। आज फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, फायदा ये होता है कि जब उतने क्वेश्चन आपके पास सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप कहते हो यार ये हमें छोड़ना नहीं है। तो यहां पे हमने बहुत सारे लगा रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही करने हैं और ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। 16 यहां है सर, ठीक है, और लगभग 16 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी लगभग 12, 13 यानी सब मिला के 25 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं और 25 क्वेश्चन में भी हम आपको 10 लगभग मोस्ट वांटेड बता देंगे जो आते ही आते हैं पेपर में। तो ये 25 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए, इस बात की गारंटी है फिजिक्स में आप पूरा पेपर करके आओगे। एक आध छोटा 2-4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ कर दोगे आप, इस बात की जिम्मेदारी है सर, ठीक है। तो चलिए सर एक एक करके हम आपको समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो लोग नए हैं भाई, ठीक है, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग जाएंगे टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह पढ़े रहते हैं। नाम है BDKDN BSC, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके नोट्स हम लगभग सेकंड पूरा पार्ट पढ़ा चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, आराम से जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए और सब देख डालिए, सब पढ़ा दिया, ठीक है। थ्योरम का क्लास कल आएगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी हमने बता दिया, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए आपको यहां पे 4 थ्योरम्स हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम और डायराक डेल्टा फंक्शन। ये पहले क्वेश्चन में हमने इस पूरे को लिख दिया। कुछ लोग कहेंगे सर जी खेल गए आप, तो आपने बताया 15 क्वेश्चन एक में इतने छाप दिए, वही बता रहा, सुनिए सर, ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इसकी औकात है, उसी ऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस साल का जो पेपर था यूनिवर्सिटी वाला सेमेस्टर का, उसमें ये थ्योरम आई हुई थी, अगर आपके पास पेपर है तो चेक कर लीजिएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है स्टोक्स और उससे कम है ग्रीन्स। हेल्महोल्ट्ज़ आपके कोर्स में नहीं है, इसका केवल स्टेटमेंट है, प्रूवमेंट नहीं है। तो लॉन्ग में कितनी आ सकती है, 3, और इन 3 में से कोई एक 101% आएगी। सर जी इन 3 में कोई एक बताइए, तो हम यही कहेंगे कि आप गॉस वाली जरूर पढ़ें और स्टोक्स वाली जरूर पढ़ें, ये 2 आप पढ़ लें तो आपकी एक फंस जानी चाहिए, ठीक है। कल जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको सिखाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस बात की गारंटी होगी कि जो भी 15-20 मिनट का क्लास हम लगाएंगे उसके बाद आपको कहीं भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके पूरी वीडियो देख डालिए सर, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में, ठीक, डायराक डेल्टा फंक्शन, ये लॉन्ग का टॉपिक नहीं है, ये आ सकता है शॉर्ट में, ठीक है भाई, यहां पे लिखा हुआ है ताकि ये सारी चीजें आप इकट्ठी पढ़ लें। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया ये, दूसरा जो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन सब कराया हुआ है, ठीक है, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन, बाई ईटा के में रिलेशन, ईटा सिग्मा के में रिलेशन, ये सब कुछ मोस्ट वांटेड है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 101%, ठीक है। उसके बाद बॉडी रोलिंग डाउन, तीसरा नंबर यहां लिखा हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 तरीके के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चौथा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ और उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं आपको पढ़ना है। पांचवा सेंटर ऑफ मास क्या, यानी द्रव्यमान केंद्र, इसका एक्सेलरेशन हमने आपको निकलवाया है, वेलोसिटी निकलवाई है, सारी चीजें निकलवाई हैं उन्हें आप पढ़ लेंगे। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क क्या होता है, इनमें रिलेशन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम को जे से लिखते हैं, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं और इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है जे बराबर जेसीएम प्लस आरसीएम क्रॉस पी, ये भी हमने प्रूव करवाया है। ये सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये सब हमने करवाया भाई, ये रिलेशन करवा चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करवाया है, न्यूटन्स लॉ करवाया है, सेंटर ऑफ मास करवाया है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब करवाया हुआ है दोस्त। बस आपको केवल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और जाके पढ़ना है। सातवां क्वेश्चन बॉडी रोलिंग डाउन बिना फिसले लुढ़कने की शर्त, ये भी हमने आपको करवा दी है, तो जब करवा दिए तो पढ़िए भाई, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर, टू बॉडी प्रॉब्लम, रिड्यूस टू 1 बॉडी प्रॉब्लम, इसी में हम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूस्ड मास जो आखिरी में निकल के आया था म्यू, म्यू को हम लोग कहते थे रिड्यूस्ड मास, फार्मूला होता था m1 m2 / m1 + m2, देखा था सर, सवाल भी लगवाए थे हमने इसके ऊपर, तो ये आपको पढ़ना है सर, ठीक है। तो कितना आसान है, चीजें बहुत आसान है। 11वें नंबर पे केपलर्स लॉ को हमने रखा है और एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी रखी है, ठीक है। उसके बाद ये जो 13वें नंबर पे लिखा हुआ, ये एक्चुअल में 13वें नंबर पे नहीं है, 3रे नंबर पे होना चाहिए था भैया,
SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्रूव करवाई है, और इसकी एनर्जी, ये एनर्जी आपको पढ़नी है, मोस्ट वांटेड है। यानी अगर आप तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट का है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक दोबारा से ही बता देंगे कि क्या आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आपको पढ़नी है, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट पढ़नी है, स्पीड, उसके बाद जब भी कोई स्पीड ऑफ साउंड एंड गैसेस एंड लाप्लास ने उसमें क्या करेक्शन किया, आपको पता है लाप्लास ने क्या किया, उसमें गामा लगा दिया था। गामा लगाने से क्या हुआ, 1.41 वैल्यू बढ़ गई, और जो 280 मीटर प्रति सेकंड न्यूटन के चक्कर में आ रही थी वो आ गई 332, जो लगभग बराबर थी, और लाप्लास का करेक्शन बिल्कुल सही हो गया। हमने ये सारी चीजें आपको कराई हुई हैं, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने लगवाए हैं उतनी ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा, गारंटी है सर, ठीक है। कुछ शॉर्ट की बात करें तो जैसे शो दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, निकालना है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, शेप ऑफ गर्डर्स मोस्ट वांटेड है, शो दैट ये एक बल दे रखा है, इस कंजर्वेटिव फोर्स से सिद्ध करिए। स्यूडो फोर्स क्या होता है, टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए, टेंसर में कई होते हैं, इनवेरियंट टेंसर होता है, ठीक है, उसके बाद क्रोनिकल टेंसर होता है, उसके बाद डेल्टा टेंसर होता है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक टेंसर होता है, टेंसर्स का एडिशन, यानी टेंसर टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं दोस्त, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, और इनमें रिलेशन कराया हुआ है, लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट कराया है, रिड्यूस्ड मास वही जो ऊपर बता रहे थे वही है, हॉलो सॉफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड सॉफ्ट शायद कराया है नहीं कराया है, ध्यान नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोबारा लिख गया है, आर्क लेंथ क्या होता है, एरिया वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ऑपरेशंस बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स के बीच में जो ऑपरेशन लगते हैं कौन कौन से, स्केलर वेक्टर, यहां पर हमने लिख भी दिया स्यूडो स्केलर स्यूडो वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, इनके बारे में पढ़ना है। अब इसमें कौन से हैं जो कतई छोड़ ही नहीं सकते, नहीं, लोग कहते हैं कि रामबाण है, कि अगर चला तो फिर वो मिस नहीं होता सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम आप नहीं छोड़ सकते हैं, मोस्ट वांटेड है भैया, पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप कहें इनमें चार में दो बताओ तो ये बताना है, ठीक है भाई। रिलेशन बिटवीन बाईटा सिग्मा नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है भाई। ये वो चीजें हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हैं भैया। न्यूटन्स लॉ पढ़ो, न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ना ही, पढ़ने तो ये सब हैं, लेकिन उनमें कौन से जो छोड़ नहीं सकते, टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस्ड विद वन बॉडी प्रॉब्लम, बॉडी रोलिंग डाउन, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कैपलस लॉ आप चाहो तो पढ़ लेना क्योंकि आ सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़नी ही पढ़नी है भाई, नहीं पढ़ोगे तो कहां जाओगे, पिछले वाले पेपर में भी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो पढ़ने ही पढ़ने हम उन पर टिक लगा रहे हैं, ठीक है। शो दैट ये ठीक है यार, शेप ऑफ गर्डर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद टेंसर के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी पढ़नी ही पढ़नी है, और बाकी कुछ चीजें और भी हैं। यानी ओवरऑल अगर हम आपसे कहें तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे हमने आपको बाद में बताए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है भाई। बाकी इसकी पीडीएफ हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, आराम से पूरी पीडीएफ देख डालिए, सारी चीजें मिला डालिए। रह गई ये थ्योरम, ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है ये कल आपको मिल जाएगी वीडियो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है भाई। उसके अगले दिन स्टॉक्स थ्योरम बना देंगे, दो थ्योरम, कुछ लोग कहेंगे सर जी महाक्लास में दे दीजिए, नहीं, अगर हमने आपको गॉस और ये दोनों थ्योरम एक साथ कराने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद एक भी नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो पहले एक थ्योरम, एक घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, प्रॉपर डिटेल में आपको ये थ्योरम हम समझाएंगे, और उसके बाद अगले दिन आ जाएगी स्टोक्स थ्योरम, ठीक है भाई। तो मन लगा के पढ़िए, जो भी लोग परेशान थे टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ देख लें, ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर डालें। बाकी अभी पेपर आने में टाइम है, उसके साथ साथ हम चीजें तैयार करवाते चल रहे हैं, कुछ बच्चे बॉटनी और जूलॉजी के इंपॉर्टेंट के लिए भी कह रहे हैं, जल्द ही उसकी भी व्यवस्था करते हैं। बाकी बी डिकेडिन बीएससी अपना दूसरा चैनल है जहां पर ये सारी चीजें हम पढ़ाते रहते हैं और बताते रहते हैं, बॉटनी भी उसी चैनल पे आ रही है, तो जाइए जाके बी डिकेडिन बीएससी को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए बी डिकेडिन बीएससी, नोट्स और पीडीएफ वहां पर मिल जाते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।